सबसे बड़े पर्व में सारा खेल कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द बुना जाना है। विपक्षी इंडी अलायंस जहां सरकार की खामियों को गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं एनडीए मोदी की गारंटी वाली तस्वीर लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। 2024 का सियासी शंखनाद। किसे मिलेगी शिकस्त? कौन होगा आबाद? विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर? 2024 के सियासी समर की तस्वीरों में अब और भी रंग भरने वाले हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार मिलने वाली है, मुद्दों को और धार दी जाने वाली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव की तस्वीर बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने है। यही वजह है कि पीएम मोदी नए एजेंडे और नई कूटनीति से विपक्ष को घेर रहे हैं। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। पीएम मोदी के लिए हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव सबक होता है, इसीलिए हर बार विपक्ष पर हमले के लिए वो कोई नया तीर निकाल लेते हैं जो विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी कम नहीं आंकी जा सकती। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसके अलावा भी विपक्ष एनडीए को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा और हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मुद्दा बड़ा हो गया है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई, ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए एनडीए के पास इस बार राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, काले धन पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे दुरूप के पत्ते हैं।
यानी सियासी मुद्दों की ये जंग अब और भी रोचक होने वाली है। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम टॉप 20।